नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करने संबंधी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रिय रविशंकर प्रसाद जी, हम आपसे कुछ भी बहाल करने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जब तक उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता है, कृपया ये अंदाजा नहीं लगाएं कि माननीय न्यायाधीश क्या फैसला देंगे। कश्मीर घाटी में युवाओं को शारीरिक फिटनेस के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री स्टेशन रंगरेत में युवा लड़कों के लिए रन फॉर फन और वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इसे दो श्रेणियों में आयोजित किया गया। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। इस रन फॉर फन और वॉकाथॉन में करीब 210 युवाओं ने भाग लिया। रन फॉर फन में 4 किलोमीटर और वॉकाथॉन में 2.5 किलोमीटर की श्रेणी रखी गई, जिसमें युवा लड़के लड़कियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और नगद प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी में बीते दिन रिहा हुई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने आवास पर पीडीपी नेताओं संग बैठक के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया कि जब तक हमारी रियासत का झंडा नहीं वापस मिलता, तब तक राष्ट्र ध्वज नहीं उठाएंगी। इसी को लेकर जम्मू में तिरंगा यात्रा निकाली गई और पीडीपी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब कुछ लोगों द्वारा झंडे को उतार दिया गया जो पीडीपी दफ्तर के बाहर लगाया गया था। इसको लेकर लोगों में काफी रोष है। कश्मीर घाटी में सेना द्वारा जिला अनंतनाग के हाई ग्राउंड में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 127 लाइट एडी रेजिमेंट की तरफ से कराया जा रहा है। इसमें शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग की टीमें हिस्सा ले रही है। आज के टूर्नामेंट का उद्घाटन डीसी अनंतनाग के सिद्धा द्वारा किया गया। इस मौके पर कमांडर 127 लाइट एडी रेजिमेंट भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक घोषणाएं कर रही हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने की घोषणा की है। पीजीआई चंडीगढ़ में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन के मानव परीक्षण का पहला फेज सफल रहने के बाद स्वयं सेवकों को दूसरी खुराक दी गई। मानव परीक्षण में 25 सितंबर को जिन 3 स्वयं सेवकों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, उन्हीं की वो दूसरी खुराक दी गई है। परीक्षण करने वाली टीम का कहना है कि इसमें शामिल 3 स्वयं सेवकों की स्थिति संतोषजनक है। चीन को एक वक्त में वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता था। हालांकि वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति PM2.5 एक्सपोजर वाले 10 देशों की सूची में चीन शामिल नहीं हुआ है, वहीं भारत इस सूची में सबसे टॉप पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ठोस और महत्वाकांक्षी कदमों को उठाने की आवश्यकता है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में डोरू वेरीनाग सड़क पर हर दिन फलों को ले जा रहे ट्रकों और वाहनों के कारण घंटों जाम लगा रहता है। इस सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले डीसी अनंतनाग ने ये घोषणा की थी कि इस सड़क पर फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही पर बैन रहेगा, परंतु जमीनी स्तर पर उनके आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उम्मीद है कि डीसी अनंतनाग इस समस्या का खुद संज्ञान लेंगे। कोविड महामारी के बीच संपन्न हुए नवरात्र में देश प्रदेश के भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। रामनवमी तक नवरात्र में 36,000 भक्तों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन के बाद पहली बार शारदीय नवरात्रों में कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की अब तक की सबसे कम संख्या रिकॉर्ड की गई है, नहीं तो ये संख्या लाखों में होती है। अब भक्तों का रुझान देखते हुए हालात जल्द सामान्य होने की संभावना है।